अरे यार आगे मत आना भाई, और झुक। अरे क्या कर रहा है ये? हो सकता है अरे वो तुम्हें साइड लो ना। एक मिनट साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। मेरे पैर में फंसा। साइलेंट साइलेंट, वो नीचे रखना सब लोग। रेडी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? शमी जी की आज डेथ हो गई है। बहुत काफी वेटरन एक्ट्रेस थी, काफी पॉपुलर थी, बहुत 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 सीनियर हैं। और मतलब हम लोग तो बचपन से शमी जी और उनके कंटेम्प्रेरी से काम देख देख करके बड़े हुए हैं। पिछला एक डेढ़ साल बहुत ज़्यादा झटकों भरा रहा है। काफ़ी सारे सीनियर्स कलीग्स बहुत लोग गए हैं, बट देन आई गेस दैट्स लाइफ।
शमी जी के लिए तो मैं परिवार को सांत्वना दे सकता हूँ, एंड फॉर हर लाइफ उन्होंने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए हैट्स ऑफ, व्हाट अ जर्नी। हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि उनका 10% भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम देकर चले जाएँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को और लोगों के जीवन में, तो विल बी लकी। बहुत ही विवेशियस और मतलब अपने समय की वैसी एक्ट्रेस थी। या आप मतलब शमी जी का जैसी शमी आंटी का, शमी आंटी सब लोग प्यार से बोलते हैं, आप उसी से समझ सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री में सब लोग शमी आंटी कहते हैं, और द मोमेंट यू से शमी आंटी यू कैन ओनली रिमेंबर द स्माइल, द लाफ्टर एंड दैट आँखों में जो चमक है। और पर्सनली तो मैं बमुश्किल शायद एक दो बार मिलाऊंगा, बट स्टिल इट फील्स लाइक कि फैमिली का कोई सदस्य चला गया है। कुछ डिटेल बता पाएंगे कितने बजे हुआ घर जी? मुझे जो खबर मिली रात को, अयूब खान हॉस्पिटल में ही थे और कल शाम को उन्हें फ़ोन आया था, अयूब खान हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, उनसे पता चल गया था शाम को कि तबीयत काफ़ी ख़राब है और अस्पताल में जी। सुबह उठते ही मैसेज मिला कि रात को आई थिंक तकरीबन 3:15 बजे शी पास्ड अवे। That I don't have those details, मुझे मालूम नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रेडी क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे इस मौके पर? काफी पॉपुलर Everybody in the industry, she has always been Shammi auntie. Shammi auntie. So she is one of the most loving people. I know her since childhood. वो मेरे dad की फिल्मों में काम कर चुकी है, and then Boman and me were blessed to work with her in Shirin Farhad. And she was a one. I can't say she was. You've seen how many people have turned up के at the moment's notice. And because of her, हम लोग we have enjoyed so much that film because of her. She was the one who used to make सब इन्जॉयमेंट करवाती थी सबसे, हंसते रहो। अभी उनका बेटा ने कहा कि उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ सिखा दी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो आई एम सॉरी आई क्राइड, ही सेड व्हाट मोर कैन यू से। आई थिंक शी वाज वेरी फुल ऑफ लाइफ। आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन हु मस्ट हैव मेट हर एंड नॉट लव्ड हर। नॉट लव्ड हर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू, बाय। ये निकालना अजय, मेरे कृष्णा बच्ची है ये मेरे को। बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी और वो चली गई, बहुत दुख हो रहा है, मैं और कुछ कह नहीं सकती हूँ। एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, सबके दुख सुख में रहती थी और हंसती खेलती औरत थी, आज चली गई, बहुत दुख हो रहा है। थैंक यू आशा जी, लेट गो। हमारे साथ एक बहुत स्पेशल बॉन्ड था क्योंकि वो मेरी माँ की बहुत ही करीबी सहेली थी, तो
तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से उनके साथ रहे हैं, तो आज बहुत ही दुख हो रहा है कि आज वो भी नहीं है यहाँ. और that's all I can say that. Okay, बहुत versatile actor रही हैं. और जब उनकी हम acting की बात करते हैं, she has असर मतलब legend, you know. क्या ज़हन में आता है अनगिनत किरदार. जब शबी आंटी के बारे में बात करें तो एक ही चीज़ याद आता है, वो सबको हंसाती थी. और आप देखें कि जितने भी फिल्में उन्होंने की हैं, वो she was larger than life, she was always happy, always laughing and always making people laugh. और अंत तक वो वैसे ही थी. तो आई थिंक जैसे हम उन्हें याद करते हैं, हमेशा उसी तरह याद करते हैं. थैंक यू. थैंक यू. Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.